हेलो एवरीवन, वेलकम टू ला ऑलिव सलोन मजूरी गार्डन। दिस इज़ द माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप ये हेयर्स देख रहे होंगे, इसके अंदर में अभी कलर हुआ है और आपको ये हाइलाइट्स भी दिख रहे होंगे इसमें, जो ऊपर में थोड़ा डार्क है और नीचे में लाइट है। बिकॉज उन्होंने मेहंदी यूज़ किया हुआ था, तो कलर जो लिफ्टिंग होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो भी आपका बैकग्राउंड होता है या आपकी हिस्ट्री होती है बालों की, अपने क्या कलर या क्या मेहंदी लगाई है उसके अकॉर्डिंगली कलर होता है। तो अभी मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी वो ये है कि लोग जब बाहर कहते हैं कि हमने हाइलाइट्स कराई हैं, हमने कुछ टाइम पहले हाइलाइट्स कराए पर बाल बहुत ड्राई हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रिजी दिखने लग गए, तो ऐसा तो नहीं होगा दोबारा या फिर ऐसा क्यों हुआ? अभी मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। ये देखिए, आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ अभी लगाया है बालों में, इसको कलर बोलते हैं। यस, ये जो पहले हुआ है इसे जेंटल प्री लाइटनिंग बोलते हैं, और जो अब अप्लाई हो रहा है इसको कलर बोलते हैं। जी हाँ, इसे कलर डिपॉजिटिंग कहा जाता है। कलर डिपॉजिटिंग का मतलब होता है कि जब आपके बालों को प्री लाइट कर दिया गया, आपके नेचुरल हेयर कलर को निकाल के उसमें एक वाइट कलर का बेस दे दिया गया, अब उसके अंदर हमें कलर डिपॉजिट करना है, जो अभी यहाँ पर ये हेयर ड्रेसर कर रहे हैं। इन्होंने कलर दोबारा बनाया और लगाया, जो पहले लगा वो प्री लाइटनिंग लगा। कई लोगों को लगता है कि वही कलर हो गया और कई लोग वो करके भी छोड़ देते हैं। वो सिर्फ आपके बालों में प्री लाइटनिंग करते हैं या फिर आपके बालों में ब्लीच करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से ध्यान रखें कि आपको अपने बालों में खाली ब्लीच या फिर प्री लाइटनिंग करके ही छोड़ना है या उसमें कलर डिपॉजिट भी करवाना है।